नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube के चैनल आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एक और वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि आपको हम कुछ शरीर से संबंधित बीमारियों से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे और उनके क्या इलाज हमारे पास उपलब्ध हैं और उनको कैसे हम बना सकते हैं, कैसे उसका सेवन कर सकते हैं, क्या प्रिपरेशन हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक बार गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, इसको अपने सगे संबंधियों के साथ डिस्कस करें। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी थी, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, आपने उसको अपनाया और आप कैसे ठीक हुए, आपको क्या राहत मिली उसमें, ये अपने सगे संबंधियों यार दोस्तों से जरूर शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियोस का जो कि टोटली फ्री हैं और इलाज जो कि टोटली बिना किसी नुकसान के है, आपका घरेलू इलाज है, आयुर्वेदिक इलाज है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जिसका कोई नुकसान नहीं है, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों एक पौधा है जिसे कि भूमि आंवला कहा जाता है, वो जो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स जैसे किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी ही गुणकारी पाया गया है। फैटी लीवर हो गया दोस्तों, या लीवर इन्फेक्शंस हैं, किडनी के इन्फेक्शंस हैं, या लीवर से संबंधित कई बीमारियां हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ये जो पौधा है और इसे हम किस तरह से अपने लीवर की प्रॉब्लम्स में यूज़ कर सकते हैं, इससे क्या प्रिपरेशंस बन सकते हैं, उन्हें हमने कैसे लेना है और उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। दोस्तों जैसा कि हम भूमि आंवला के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो ये लीवर के रोगियों के लिए बहुत ही एक वरदान जैसी चीज़ है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपको कुछ बीमारियां जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें राहत मिल सकती है। दोस्तों भूमि आंवला लीवर की सूजन, फैटी लीवर वगैरह में काफ़ी फलदायक पाया गया है। पीलिया में, हेपेटाइटिस बी और सी में और किडनी के रोगों में, मधुमेह आदि में भी चमत्कारिक रूप से उपयोगी पाया गया है। यह पौधा लीवर व किडनी के रोगों में चमत्कारिक लाभ करता है। यह बरसात में अपने आप ही उग जाता है और छायादार नमी वाले स्थानों पर पूरा साल मिलता है। इसके पत्ते को नीचे छोटा सा फल लगता है जो देखने में आंवले जैसा दिखता है, इसलिए इसे भूई आंवला या फिर भूमि आंवला भी कहते हैं। इसको भूमि आंवला या भू धात्री भी कहा जाता है। यह पौधा लीवर के लिए बहुत उपयोगी है। इसका संपूर्ण भाग जड़ समेत इस्तेमाल किया जा सकता है। बरसात में ये मिल जाए तो इसे उखाड़ लें व छाया में सुखाकर रख लें। ये जड़ी बूटी की दुकान, पंसारी आदि के पास भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इसकी साधारण सेवा मात्रा जो है, आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ दिन में 2 से 4 बार तक लेनी है, या पानी में उबाल कर छान कर भी दे सकते हैं। इस पौधे का ताज़ा रस अधिक गुणकारी होता है, तो दोस्तों कोशिश करें अगर ताज़ा रस का सेवन कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों लीवर की सूजन और पीलिया में भी ये फायदेमंद होता है। लीवर की ये सबसे अधिक प्रमाणिक औषधि है। लीवर बढ़ गया है या उसमें सूजन है तो ये पौधा उसे बिल्कुल ठीक कर देगा। पीलिया हो गया है तो इसके पूरे पौधे को जड़ समेत उखाड़ कर उसका काढ़ा सुबह शाम लें। सूखे हुए पंचांग का 3 ग्राम का काढ़ा सवेरे शाम लेने से बड़ा हुआ बेलरुबिन ठीक होगा और पीलिया की बीमारी से मुक्ति मिलेगी। पीलिया किसी भी कारण से हो, चाहे पीलिया का रोगी मौत के मुंह में ही क्यों ना हो, उसे ये देंगे तो उसे निश्चय ही लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर वर्ष में 1 महीने भी इसका काढ़ा ले लिया जाए तो पूरे वर्ष तक लीवर की कोई समस्या आपको नहीं होगी और आप निश्चय ही लीवर की बीमारियों से बचे रहेंगे। फैटी लीवर जिसमें यकृत में सूजन आ जाती है, ये बहुत लाभदायक होता है। हेपेटाइटिस बी और सी में भी इसका बहुत लाभ देखा गया है। दोस्तों हेपेटाइटिस बी और सी के लिए ये रामबाण है। दोस्तों मुंह में छाले और मुंह पकने पर भी इसके बहुत फायदे हैं। मुंह में छाले हों तो इसके पत्तों का रस चबाकर निकाल लें या बाहर निकाल दें। यह मसूड़ों के लिए भी अच्छा है और मुंह पकने पर भी यह लाभ करता है। स्तन की सूजन या गांठ में भी इसका बहुत लाभ होता है। दोस्तों स्तन में सूजन या गांठ हो तो इसके पत्तों का पेस्ट लगा लें और आपको राहत मिलेगी। खांसी में इसके साथ तुलसी के पत्ते मिलाकर काढ़ा बनाकर लें, आपको राहत मिलेगी। किडनी के इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। इसका काढ़ा किडनी की सूजन को भी खत्म करता है। स्त्रियों के रोगों में प्रदर या प्रमेह की बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है। रक्त प्रदर की बीमारी होने पर इसके साथ दूध का रस मिलाकर 2-3 चम्मच प्रातः सायंकाल लें। इसकी पत्तियां गर्भाधान को प्रोत्साहित करती हैं। इसकी जड़ों एवं बीजों का पेस्ट तैयार करके चावल के पानी के साथ देने से महिलाओं में रजोवृत्ति के समय लाभ मिलता है। दोस्तों पेट दर्द हो और कारण समय में ना आ रहा हो तो इसका काढ़ा ले लें, पेट दर्द तुरंत शांत हो जाएगा। ये पाचन प्रणाली को भी अच्छा करता है।
दोस्तों पुराना बुखार हो और भूख कम लगती हो तो इसके साथ मुलेठी या गिलोय मिलाकर काढ़ा बना लें। इसका उपयोग घरेलू औषधि के रूप में जैसे कब्ज, टाइफाइड, बुखार, ज्वर एवं सर्दी में भी किया जा सकता है। मलेरिया के बुखार में भी इससे राहत मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम इस पौधे से काफी बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये बताए हुए नुस्खे जरूर आजमाएंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम इस पौधे से एक बहुत ही गुणकारी प्रयोग कर सकते हैं। कई कई प्रिपरेशंस आपको बताए गए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का हल इसमें से ज़रूर निकाल लेंगे। आपको जो भी दिक्कतें हैं आप ये पौधा लेकर के आइए। इसके जो भी प्रिपरेशंस आपको बताए गए हैं आप घर पे बनाइए, इसको यूज़ कीजिए। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। यूज़ कीजिए और आपको जो बेनिफिट होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमें उसका फीडबैक दीजिए और अपने मित्रों से, यारों, दोस्तों, सगे संबंधियों से भी ये शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अंत में जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम आप तक पहुँच सकें, आपके जितने रिश्तेदार हैं उन तक पहुँच सकें और हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। नमस्कार दोस्तों।